गाइस देखिए यहाँ पर हमारी क्लीनिंग भी हो गई है और हमने बेड को कर दिया है एकदम क्लीन और सारे ब्लैंकेट्स यहाँ रख दिए हैं। तो चलते हैं अभी शावर लेते हैं और फिर शावर लेकर आते हैं। तो गाइस देखिए आज का आउटफिट है जो मैं पहन कर जाऊँगी मेकअप के लिए, मेकअप करने। तो चलिए गाइस ये पहनते हैं फिर आते हैं फिर आप लोगों से मिलते हैं। हेलो गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। तो गाइस देखिए ब्लॉग स्टार्ट हो गया है और ये हम हो गए हैं रेडी, हमने पहन लिए हैं कपड़े और अब हम जा रहे हैं वेन्यू पर। हाँ जैसे कि आप लोगों को पता ही है आज बुकिंग है मेकअप की, तो मैं रेडी हो गई हूँ और अब हम जा रहे हैं और फिर आपसे मिलते हैं फ्री होकर। और आज रिसेप्शन भी है तो रिसेप्शन का शूट भी आपको दिखाएंगे। तो चलिए तब तक के लिए आप लोग ब्लॉग में बने रहिए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए गाइस प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। आप लोग मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए मिलते हैं गाइस। देखिए आम खा रहे हैं खाना, यहाँ बाजू खा रही है खाना और यहाँ पे हमने बनाई है कुकुम्बर सैलेड और ये हमने बनाया और हमने इसमें डाला है पिंक सॉल्ट और यहाँ हमने बनाई है चटनी लाल वाली और वो बहुत ही मजे की होती है लाल मिर्च की चटनी। चटनी खाओ और फिर तो गाइस जल्दी जल्दी खाते हैं और फिर जाते हैं हम वेन्यू पर और करते हैं मेकअप और बनाते हैं जैसे कि आज जाना है और देखते हैं आज वाली ब्राइड कैसी है हमारी और कैसी लगती है। वैसे तो हम देख चुके हैं बट आज हम लुक रिक्रिएट करेंगे कोई भी एक और फिर देखेंगे। तो चलिए फिर खाना खाते हैं उसके बाद मिलते हैं। सो गाइस यहाँ पे हम लोग निकल गए थे वेन्यू पर जाने के लिए और वेन्यू पर पहुँचते हैं फिर वहाँ पर जाकर देखते हैं कैसा रहता है, इंशाल्लाह अच्छा ही रहेगा और फिर आप लोगों से मिलेंगे। जैसे कि आज हमें कहीं जाना भी है तो आगे आपको दिखाएंगे। तो गाइस देखिए अभी हम लोग यहाँ रास्ते में ही हैं और चलते हैं पहुँचते हैं। तो गाइस देखिए हम आ गए थे वेन्यू पर, यहाँ घर पर ही करना था मेकअप और यहाँ पर बहुत प्यारे प्यारे छोटी छोटी पर्शियन कैट्स की भी किटन्स थी और ये री पर्शियन कैट, उनकी मम्मा, ये क्या कहते हैं बेबी जो थे किटन्स वो इनकी ही थी पर्शियन कैट की। तो गाइस देखिए कितने आराम से यहाँ पर सो रही है और मैं इसको उठा रही थी कि एसी में आराम से कितने मज़े लेके सो रही है ये, लेकिन देखिए वो वैसे ही बैठी है सोए जा रही है वो, बस उसको मज़ा आ रहा है सोने में बहुत। तो गाइस चलेंगे अब अपना मेकअप स्टार्ट करेंगे। तो गाइस देखिए यहाँ पर हमें करना था मेकअप, यहाँ हम लोग आ गए थे। ये अभी देखिए यहाँ पर ये ऊपर चल रहा है एसी और आराम से हुई थी कैट। गाइस देखिए हम वैनिटी लगा रहे हैं अपनी और उसके बाद करते हैं मेकअप, उसके बाद जाते हैं घर फिर आप लोगों से मिलते हैं इवनिंग में। तो गाइस देखिए मेकअप डन हो गया था और यहाँ पर ये इतनी क्यूट क्यूट किटन्स सो रही थी सारी। हेलो गाइस अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग, आए हो क्या, आप सो रहे हैं सारे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो गाइस देखिए यहाँ पे ट्री बहुत अच्छा है और ये है मेरा आज का आउटफिट, बहुत अच्छा लग रहा था और ये तो सारे इनको है। तो हम लोग जा रहे हैं रिसेप्शन में, रेडी हो गए हैं फिर वहाँ जाते हैं आप लोगों से मिलते हैं फिर आपको बताते हैं। तो गाइस चलिए तब तक के आ रही हैं आप हमारे साथ ब्लॉग में बने। तो गाइस देखिए यहाँ मेरे रिसेप्शन में आने में हो गया था बहुत लेट क्योंकि जो बाहर का गेट था उसकी जो की थी वो हमारे चाचा वगैरह जो थे वो अपने साथ ही लेकर आ गए थे तो हम लोग लॉक नहीं लगा पाए थे तो इसलिए यहाँ पर बहुत लेट हो गया था। और यहाँ पर दूल्हा और दुल्हन के लिए टेबल लगती है तो टेबल लग रही थी। तो गाइस देखिए पर वी आर लकी, तो यहाँ पर हमें टेबल लगी हुई मिल गई तो हम लोगों ने यहाँ खाना। Delicious. Dear God, it's beautiful. और ये रही मैं यहाँ रिसेप्शन में। तो गाइज आप कमेंट करके बताना मैं कैसी लग रही हूँ। और देखिए यहाँ पर सब लोग ऑलमोस्ट जा ही चुके हैं तो हम लोग बस जल्दी से आए, घर से लेट हो गया था हमें आने में तो इसलिए बस हम लोग बना ही रुके यहाँ और रुक कर अब हम लोग जा रहे हैं घर। तो यहाँ से ये हॉल था और अब हम लोग जा रहे हैं घर और फिर घर जाकर आपसे मिलते हैं। तो
वैसे आज का रिसेप्शन काफ़ी अच्छा रहा, खाना वगैरह सब बहुत अच्छा था। लेकिन बस हम लोगों को आने में देर हो गई है क्योंकि सब लोग आ गए थे और हम लोग अकेले घर पर थे और की साथ में लेकर आ गए थे सब लोग, किसी ने हमें मतलब की हमें देकर आए नहीं थे, तो इस वेट करते करते हमें इतना लेट हो गया। तो गाइस देखिए हमारा फंक्शन हो गया है ख़त्म और अब हम आ गए हैं घर। तो अभी मैंने मेकअप रिमूव नहीं किया है, मैं मेकअप रिमूव करूँगी और आज मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, जहाँ हम लोग रिसेप्शन में गए थे वहीं पर मेरी बुकिंग थी ब्राइडल, तो वहाँ पर सबको मेकअप बहुत पसंद आया, सब लोग ने बहुत 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 तारीफ करी, तो मज़ा दिल खुश होता है। फिर गाइस बढ़िया, गाइस आज मेकअप के इतने गजब के रिव्यू मिले हैं कि मैं आपको क्या ही बताऊं। मेहनत में ही वसूल हो गई है और ब्राइडल मेकअप मैंने किया है। अगर आप लोग बोलेंगे कमेंट में तो मैं आप लोग के साथ उनकी पिक भी शेयर करूंगी बिफोर एंड आफ्टर लुक। तो गाइस मेकअप बहुत अच्छा हुआ था और सभी लोगों को बहुत पसंद आया, सब ने बहुत तारीफ की और सब ने बोला कि बहुत अच्छा मेकअप किया, बहुत अच्छा मेकअप किया। सब ने पूछा है कौन है, कौन मेकअप है आर्टिस्ट है, किसने किया है मेकअप, तो सब लोग आ रहे थे मेरे पास, आके मिल रहे थे मुझसे और पूछ रहे थे, तो मज़ा आ गया गाइस। आज मेकअप हुआ बहुत बढ़िया और देखिए अभी हम मजा आएगा ना भिड़ो। अभी हमारा मेकअप भी हमने रिमूव नहीं किया है, तो चलिए अभी मेकअप रिमूव करते हैं, उसके बाद आज गाइस ब्लॉग में यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो देखिए अभी तक मेकअप रिमूव नहीं करा हम लोग, जल्दी जल्दी पहले बुकिंग की फिर उसके बाद घर आए फिर उसके बाद रेडी हुए फिर उसके बाद रेडी होकर शादी में गए, तो जल्दी से रेडी हुए और बस एक घंटे में हम लोग वापस आ गए थे क्योंकि बहुत लेट हो गया था, ऑलमोस्ट फंक्शन पूरा हमारा ख़त्म हो गया था। तो अगर किसी को भी ब्राइडल मेकअप वगैरह करवाना है तो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, बाकी अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ बिफोर एंड आफ्टर लुक जो भी था हमारी ब्राइड का। तो चलिए गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।